अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देखें हमारा चैनल इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बाय उमर। आज की वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उमर भाई एक खुर्शीद फैन की रिमोट कनेक्ट करने की जो एहतियाती तदाबीर है वो आप हमें गाइड कर दीजिए कि खुर्शीद फैन आपने ले लिया, आपने इसको वायर कनेक्शन किस तरह से करना है, रिमोट आपने किस तरह से पेयरिंग करना है, रिमोट कनेक्शन किस तरह से करना है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे सारा। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम इस पंखे की प्रमोशन कर रहे हैं या मार्केटिंग करें या हमारी दुकान पर आकर परचेज करें। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके पास अगर खुर्शीद फैन आपने लिया हुआ है तो आपने उसको रिमोट की कनेक्शन किस तरह करना है वो आप सीख सकें, आपको जो है उसकी गाइडलाइन मिल सके। सबसे पहले मैं आपको उसका रिमोट वगैरह का जो सब चीज़ें गाइड कर देता हूँ, वायरिंग वगैरह की जो एहतियाती तदाबीर है वो सब चीज़ें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए जब आप खुर्शीद फैन का रिमोट निकालेंगे, इस तरह का रिमोट निकलेगा, खुर्शीद फैन का नया रिमोट, अब इस तरह LCD वाला आ रहा है। और ये खुर्शीद फैन की मोटर होगी। अब आपने इनमें जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ों का एहतियात करना होता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, कोशिश करें वीडियो को आखिर तक देखें, रिमोट कनेक्ट करने का तरीका अगर इसमें आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले आपने जब ये खुर्शीद फैन लगाना है तो आपने जो लगाने से पहले जो डिमर कनेक्शन होता है, आपका डिमर होता है, वो आपने डिमर हटा देना है। डिमर नहीं होगा आपका, ऑन ऑफ सिर्फ बटन से काम करेगा, हाई लो जो है आपका रिमोट पर वर्किंग करेगा। पहला काम आपने डिमर हटा देना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि आप जब इसकी वायरिंग करेंगे, ये AC/DC फैंस होते हैं ना, इसकी जो वायरिंग आपने करनी है वायरिंग इस तरह से करनी है कि देखें इधर लिखा हुआ है AC 220 और इधर लिखा हुआ है DC 12 वोल्ट, DC 12 वी। ये जो DC 12 वी होता है, इधर आपकी सोलर या बैटरी की तार जाएगी, और जो 220 AC लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट AC, इधर आपकी जो बिजली की नॉर्मल तार है, जो आपकी पहले वाली पंखे की तार लगी हुई जो इलेक्ट्रिक बाधा या के इलेक्ट्रिक की है, वो तार आपकी इस तरफ इस वायर पे लगेगी। इसका आपने बहुत एहतियात करना है। अक्सर लोग 220 की वायर 12 वोल्ट पे लगा देते हैं, उससे ये होता है सर्किट के जो कैपेसिटर होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं ना अंदर, ये बस्ट हो जाते हैं, तो उसमें ये होता है आपका सर्किट ख़राब हो जाता है, इसकी आपको कोई क्लेम वगैरह नहीं मिलती है। तो आपने क्या करना है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, रिमोट का भी मैं आपको फंक्शन वगैरह गाइड करता हूँ, पहले मैं आपको इसका गाइडलाइंस देता हूँ। वायर है ये 220 वायर है। अच्छा, एक दो तीन आपको निशानियाँ बता देता हूँ। अक्सर जो है सर्किट के ऊपर इस तरह से लिखा होता है लेकिन वायर इस तरह बाहर होती है। देखिए जो ब्लैक और रेड वायर होती है ये 12 वोल्ट की DC वायर होती है, इसमें आपका प्लस माइनस लगेगा। और जो इस तरह की वायर दो निकली हुई होती है, ये डब्बी में होगी या इस पर लिखा होगा या इस पर स्टिकर लगा होगा खंबे का या 220 लिखा होगा, ये वायर आपकी 220 वायर होती है, 220 वायर होती है। इस पर देखें खुर्शीद फैन AC लिखा हुआ है, ये देखें आप इस पर भी लिखा हुआ है और इस वायर भी, वायर पर भी ये देखें आप लिखा हुआ खुर्शीद फैन AC न्यूट्रल, ये देखें इधर भी लिखा हुआ है खुर्शीद AC 220। आपने इधर AC इनपुट करना है, इधर जो है DC इनपुट करना है, ये देखें ये मोटर आउटपुट है, इधर DC इनपुट करना है आपने। अच्छा, अब मैं आपको इसका रिमोट का भी सिस्टम बता देता हूँ, फिर रिमोट पेयरिंग का भी बताता हूँ आपको मैं। जैसे रिमोट के जो बटन होते हैं अक्सर लोग उसके हिसाब से जो है थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको रिमोट का भी बताता हूँ। जैसे आप रिमोट को ऑन करेंगे, ये देखें इसमें ये स्पीड होता है और ये टर्बो स्पीड फुल स्पीड होता है। अक्सर लोग पूछते हैं ये नीचे जो 2H 4H और 6H और 8H ये क्या है लिखा हुआ है, तो भाई ये जो होता है ये आपका 2H पे जब कर देंगे तो आपका 2 घंटे के बाद आपका फ़ैन ऑफ हो जाएगा, ये 4 घंटे में ऑफ हो जाएगा, 6 घंटे में ऑफ हो जाएगा और ये 8 घंटे का टाइमर है, ये टाइमर होता है इसका, ये ऑफ का स्विच है, ये ऑन का स्विच है। अच्छा, अब मैं आपको इसका जो है पहले वायरिंग कनेक्शन आपको गाइड करता हूँ। वायरिंग कनेक्शन इस तरह से करना है, आपने DC के ऊपर 220 की वायर हरगिज़ नहीं लगानी, इस चीज़ का आपने बहुत एहतियात करना है, अक्सर लोग चीज़ें ख्याल करते हैं। अच्छा, रिमोट में भी एक दो एहतियाती तदाबीर है, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। देखें जैसे ही मैंने ये फैन को इधर कनेक्ट किया, ये पीप की आवाज़ के साथ हमारा फैन जो है, ये देखिए पीप की आवाज़ कर रहा है, अक्सर फैन चल जाता है, अक्सर फैन चलते नहीं है। अब दोबारा से निकालो बेटा। अब देखें जैसे ये अब मैंने ये लगाया ना वायर, तो ये फ़ैन चलेगा नहीं, ये चल रहा नहीं है ना, तो इसको आपने ऑफ का बटन दबा के रखना है। डबल पीप आई, अभी रिमोट कनेक्ट हुआ, ये रिमोट से ऑफ था। अब देखें ये मैं ये प्रेस करूँगा ना, अभी फ़ैन हमारा चलेगा, डबल पीप आएगी, ऑफ का बटन दबा के रखना होता है खुर्शीद के पंखे में। और ये देखें ये रिमोट हमारा वर्किंग कर रहा है, ये ऑफ हो जाता है इससे, और ये देखें ये स्टार्ट, दोबारा से देखें ये स्टार्ट हो जाएगा, ये दोबारा से हमारे पास इस तरह से चल जाएगा, वर्किंग में आ गया। और ये देखिए रिमोट चलाना, रिमोट हमारा वर्किंग,
देखिए ये मैंने आपको रिमोट पेयरिंग का बता दिया, ऑफ के बटन को दबा के रखना आपका रिमोट पेयरिंग हो जाएगा। अक्सर पंखा रिमोट से ऑफ होता है तो भी आप पेयरिंग करके ऑन करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा दूसरा एहतियात आपने ये करना, अक्सर एक रूम में दो पंखे लगे हुए होते तो दो पंखे लगे हुए तो आपने जब कनेक्ट करना है रिमोट तो आपने एक पंखे का प्लग इन जो बटन होता है वो ऑफ कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। पहले एक पंखे को कनेक्ट करना है रिमोट के साथ, फिर दूसरे पंखे को रिमोट के साथ कनेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप एक ही बटन, एक ही दोनों पंखे ऑन होंगे और आप रिमोट से जब ये ऑफ का बटन दबा के रखेंगे पेयरिंग का, तो दोनों पंखे एक ही रिमोट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा कि दोनों पंखे एक साथ ऑन होंगे और एक साथ ऑफ हो जाएंगे। ये देखें सारी एहतियात मैंने आपको बता दी, वायर की एहतियात क्या करनी है, रिमोट की एहतियात क्या करनी है, रिमोट किस तरह पेयर करना है और रिमोट में पेयरिंग में आपने किस चीज़ का एहतियात करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आज की मालूम, आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको दोनों पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।